फसी वॉरियर्स के टीम के पहले गेंदबाज मुरली गेंद करेंगे नवीन दफेदार। इंड ग्रुप मसला के कप्तान नवीन दफेदार को दो स्ट्राइक पर खड़े और नौ स्ट्राइक पर शारिक इसी बीच पहली गेंद लेकर मेन पर फैजल नॉन और लेवन पर समीर सानी पहली गेंद लेके देखना ओ खराब गेंदबाजी अंपायर का शरा हुआ गेंद स्क्वाड की मदद से टीम का स्कोर एक रन। देखना गेंद लेके मुरली ओ नदीम पर बेहतरीन स्ट्रोक लेकिन सिर्फ एक ही रन मिल पाएगा यहाँ पर दो रन हो चुके एक गेंद सिर्फ खत्म और दो रन एक गेंद दो रन और शारिक स्ट्राइक पर अब शारिक देखना अपनी टीम के लिए कितने रन बढ़ोते हैं। एंड ग्रुप मसला की तरफ से मुरली राइट आर्म ओवर लेकर गेंद करेंगे शारिक के लिए शारिक हाई हिटर बल्लेबाज अपनी टीम के लिए और आगे बढ़ाया और ये बहुत ही लंबा सिक्स इसकी कोई जरूरत नहीं थी इसकी कुछ भी जरूरत थी नहीं सीधा बाहर और शारिक पहले रन के अंदर आउट होके निराश होके शून्य पर आउट। दो गेंद दो रन मुरली का अच्छा कम बैक एक वाइड गेंद डाली उसके बाद एक सिंगल और उसके बाद डॉट पर भी कर देने दो गेंद दो रन इसी बीच शारिक की जगह लेने हनीफ ओ बहुत ही खराब गेंदबाजी ऑफसाइड की दिशा में काफी बाहर की तरफ अंपायर ने अपने दोनों हाथों को फैलाते हुए वाइड का इशारा किया और इस वाइड की मदद से टीम का स्कोर तीन रन। हनीफ एक बहुत ही अच्छे बल्लेबाज है अगर एंड ग्रुप मसला को इस मैच में बने रहना तो हनीफ को काफी लंबी देर तक बैटिंग करनी होगी काफी लंबी देर तक क्योंकि हनीफ एक हाई हिटर बल्लेबाज है अगर वो बीस पिच पर है तो कम से कम तीन चार चौके आसानी से लगा सकते हैं। देखना उचित मुरली ओ डिफेंस काफी अच्छी बल्लेबाजी हनीफ की चतुराई वहां पर तीन गेंदे चार रन मुरली अपने इस ओवर में दो एक्स्ट्रा की मदद से दो सिंगल की मदद से एक विकेट की मदद से चार रन कर चुके हैं तीन गेंदों में चौथी गेंद लेके नदीम के लिए राइट टर्न ओवर देके तीन गेंदे चार रन मुरली। इसी बीच नदीम का बेहतरीन स्ट्रोक एक ही रन मिल पाएगा ऑफ साइड में केवल एक रन है और इस एक की मदद से टीम का स्कोर पांच रन चार गेंदे पांच रन मुरली राइट टर्न ओवर विकेट आ गया कर स्ट्रोक अंपायर का इशारा है बॉल शायद साइड आर्म है हमें लगता है साइड आर्म है ये और साइड आर्म इस रूल के साथ इस ग्राउंड पर साइड आर्म नहीं दिया जाता है। अब चार गेंदे और सात रन काफी अच्छा स्कोर नदीम स्ट्राइक पर सूरज बूस्ट की बल्लेबाजी की जरूरत है नदीम को चार गेंदे सात रन अच्छी बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम के देखना है पांचवी गेंद का बहुत ही अच्छी गेंद कुछ समझ नहीं पाए बल्लेबाज यॉर्कर लेन की गेंद पांच गेंदे और सात रन आखिरी गेंद लेके मुरली वाइट टर्न ओवर द विकेट गेंद करेंगे नदीम के लिए आगे बढ़कर नदीम ने शायद आउट और निराश होकर पवेलियन लौटते हुए नदीम बोल्ट। मुरली ने अपने इस ओवर में आठ रन लेकर दो विकेट लिए दो कीमती विकेट दो कीमती विकेट लेकर आठ रन खर्च किए मुरली ने तीन एक्स्ट्रा की मदद से सॉरी सात अक्षय पवार दूसरी ओवर लेके फसी वॉरियर्स की ओर से अक्षय पवार राइट टर्न ओवर लेकर गेंद करेंगे हनीफ के लिए हनीफ खेलने के तैयार इसी बीच और इसके बाद उन्होंने मुकाबला बानी मंडल वर्सेस मीर इलेवन दोनों टीम के कप्तान टॉस उड़ा ले वाइड की मदद से टीम का स्कोर आठ रन पहली गेंद काफी खराब गेंद दिशा से भटकते हुए अक्षय पवार आठ रन लेकर गेंद फिर से अच्छी गेंद
कुछ समझ नहीं सके इस बार शायद, लेकिन गेंदबाज नहीं, बहुत ही चतुराई भरी गेंदबाजी, हनीफ खेलने गया था यार। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी हनीफ, काफी निराश, फिर से प्रेशर में आकर बाहर खेल दिया गेंद को, और तीन गेंदे इस ओवर के, इसमें कोई रन नहीं। अक्षय पवार की अच्छी गेंदबाजी, पहली खराब गेंदबाजी के बाद, गेंदबाजी करने के बाद तीन अच्छी गेंद, और टीम को अच्छा ब्रेक थ्रू मिलाया अपने टीम के लिए। हाँ ये बढ़िया, अगर रुकते तो शायद 30 तक शायद इसको जा सकता था, मगर काफी अच्छी गेंदबाजी अक्षय पवार की, चौथी गेंद के नहीं स्ट्राइक पर, और इसी बीच चार गेंदे और 9 रन। दूसरी ओवर के चार गेंदे अक्षय पवार ने पहली एक खराब गेंद डालने के बाद चार गेंदों में एक विकेट लेकर सिर्फ, इसी बीच शायद खेलने के तैयार अंपायर का शरा नो बॉल, नो बॉल, चार गेंदे और 10 रन। शाहिद खेलने के लिए तैयार, राइट आर्म रन अक्षय पवार, ओ नो आउट, छोटा झटका। 5 गेंदे और 10 रन, काफी रोमांचक मैच था। नदीम ने अच्छी गेंद बल्लेबाजी की थी स्टार्ट की पहली ओवर में, मगर उनका विकेट जाते, लाइन लगाई एंडी फाइटर के खिलाड़ी, काफी खराब बल्लेबाजी करते हुए, जो आ रहा है वो बाहर मार रहा है, जो आ रहा है वो बाहर मार रहा है। 5 गेंदे और 5-10 जमीर, वाइड गेंद, 5 गेंदे 11 रन अक्षय पवार, 5 गेंदे 11 रन अक्षय पवार, काफी अच्छी गेंदबाजी करते करते अचानक फिर से दिशा से भटकते हुए, लेग पैरों को पकड़ना चाहते थे, मगर अच्छी ली वापस अमीर की, और इसी बीच एक ही रन 12, और अच्छी गेंदबाजी की वापस अक्षय पवार ने, बहुत अच्छी गेंदबाजी की। बॉलर नेम, ए बॉलर नेम का है, पिंटा, पिंटा, पिंटा गाय को आड़ा में लगता है, राइट आर्म ओवर द विकेट से गेंद करेंगे जमीर के लिए, और जमीर समझदारी की बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम को आहिस्ता आहिस्ता एक एक रन से स्कोर को बढ़ाते हुए अपनी टीम के लिए जमीर 13 रन, 13 रन। अंपायर का फैसला वाइड, इस वाइड की मदद से टीम का इसको 14 रन, और नहीं काफी समझ बूझ की बल्लेबाजी करते हुए। इसी बीच मेरी लेनर दानू मंडल के कप्तान आकर टॉस उड़ा ले, और इसी बीच बॉलर पिंटू पिंटिया, और फिर से खराब गेंदबाजी, पिंटिया लगातार वाइड पे वाइड डालते जा रहे, फिर से वाइड, एक गेंद 16 रन, एक गेंद 16 रन, 2 ओवर 12 दे, 1 सिंगल और 3 वाइड, 16 रन, और पिंटा आप दिशा से भड़कते हुए गेंदबाजी में एक अच्छी गेंद डालने के बाद, और नदीम, और इसी बीच दूसरी गेंद पर अच्छी गेंदबाजी के बाद पिंटा गायकवाड़ ने, और नईम जैसे चतुराई बड़े बल्लेबाजी को आउट करते हुए अपने टीम को 16 रन,
और इसी स्पिन पे आ साजिद के लिए, साजिद एक ओ माय गॉड बोल्ड वो ले गया नीचे जरा साक्षी भी है ना वो ले बाजू में देख खाली है और पिंटा ने तीन गेंदे खराब डालने के बाद छे छे लास्ट विकेट है लास्ट छह विकेट लास्ट विकेट है तीन बॉल तीन गेंदे और सोलह अंपायर डिसीजन वाइड और वाइड की मदद से टीम का स्कोर 17 रन सज्जाद आखिरी विकेट और 18 रन चार गेंदे 18 रन चार गेंदे 18 रन इमाद भाई इंडी फाइटर मसला जो 6 विकेट गंवाने के बाद 18 रन पर पहुंच चुके हैं और सिर्फ 8 गेंदे शेष इस इनिंग के। तो आपको क्या लगता है लास्ट विकेट क्रीज पर है तो और कितने रन बटोर सकते हैं इस 8 गेंदों में? देखिए बहुत अच्छा सवाल है दोनों टीमों के लिए, करो या हारो का मैच है और दोनों टीम अपना एफर्ट अच्छा दिखाएगी। दूर से टीम जो जिस तरीके से आई हुई है वो भी अपना अच्छा प्रदर्शन दिखा रही है। कितना बना है स्कोर? 19 का टारगेट। देखिए सज्जद भाई 19 रनों का पीछा करना है। आप मेरे साथ जुड़े हुए हो एनडी ग्रुप के, जिस तरीके से ये जो टीम है एनडी ग्रुप की टीम को 18 रन बनाने पर मजबूर किया, 18 रन बनाने पर मजबूर किया, 19 रनों का पीछा करना है। और देखा जाए तो पूरी तरीके से टीम ऑल आउट भी हो चुकी है। पिंटा ने 3 विकेट हासिल किया, 4 वाइड और 2 सिंगल देकर। और कितने बाकी थे? इसके बाद होने वाला मुकाबला धानु मंडल और मीर 11। धानु मंडल और मीर 11 टॉस के लिए आना है दोनों टीम के कैप्टन। धानु मंडल के टीम के कैप्टन आबिद काजी आ चुके हैं, मीर 11। सज्जद भाई मैं फिर एक बार आपकी तरफ आऊंगा कुछ ही क्षणों के बाद, आपसे फिर एक बार जुड़ूंगा। और इसी बीच पहले वाले के नदीम एंटी फाइटर मसला गया और सर अड्डा में विकेट, 1 गेंद 1 रन और स्ट्राइक पर मोहतसिम, नॉन स्ट्राइक पर नहीं, दूसरी ओर दूसरी गेंद लेके नदीम, अच्छी गेंदबाजी, बहुत ही अच्छी गेंद नदीम की, 2 गेंद 1 रन, काफी अच्छी गेंदबाजी, चतुराई वाली गेंदबाजी, मोहतसिम जो स्ट्राइक पर और नॉन स्ट्राइक पर नहीं, नईम 1 रन के साथ अपने टीम का, सॉरी नॉन स्ट्राइक पर मोहतसिम, स्ट्राइक पर नईम और नदीम की चतुराई वाली गेंदबाजी। अंपायर डिसीजन विल बी द लास्ट डिसीजन, अंपायर से बहस न करें, इस दो की मदद से टीम का स्कोर 2 रन, 2 गेंदे 2 रन। नदीम ने एक अच्छी गेंदबाजी की थी, थोड़ा सा मुझे लगता टप्पे में थोड़ी सी कुछ कमी रह गई, वरना इस बल्लेबाज को पवेलियन की ओर लौटना। ओह देखिए कितनी आसानी से घुटने को टेक कर रिवर्स अटेम्प्ट और 1 रन।
एक की मदद से तीन रन, तीन गेंदे तीन रन, नजर में अच्छी गेंदबाजी की जा रही है तक। ओ हो, काफी अच्छी गेंदबाजी, चार गेंदे तीन रन। अगर एंडी फाइट का मसला इमाद भाई 26-28 रन बनाए तो शायद एक काफी टफ मुकाबला हो सकता था। जिस तरीके की गेंदबाजी नदीम की तरफ है, तो आपको क्या लगता है किस तरफ गलती हो गई एंडी फाइट मसला की ओर से, जो स्कोर 18 की रोकते थे। देखिए एक बात तो पक्की है कि स्कोर ज्यादा नहीं बन पाया, लेकिन लो स्कोरिंग मैच भी काफी हद तक इंटरेस्टिंग बनते हैं। हमने कल भी देखा है कि जिस तरीके से किंग कोहली भरत कोहली की टीम ने मुकाबले में पकड़ बनाई और चेसेबल क्रिकेट नहीं बल्कि डिफेंसिव क्रिकेट खेला गया था और वो मुकाबला 24 रनों पर घुमाया गया था, तो जरूरी नहीं है कि स्कोर बढ़ जाए। लो स्कोरिंग मैच में भी अगर अच्छी गेंदबाजी होती है सज्जाद भाई, तो एक इंटरेस्टिंग मैच बन सकती है। विकेट जा चुका है, अब यहाँ से ये होना जरूरी है कि जो गलतियां हुई है उन गलतियों को सुधारना जरूरी है एनडी ग्रुप की टीम को। क्या लगता है सज्जद भाई आपको? चार रन। इमाद भाई मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ, मगर दूसरी गेंदबाज जो हनीफ वो भी अच्छी गेंदबाज है। अगर वो इस ओवर में कम से कम तीन रन खर्च करके एक विकेट अगर निकालते हैं अपनी टीम के लिए, तो मुझे लगता है वो खराब गेंदबाजी शायद नजर लग गई। और इसी बीच ओहो कितनी बढ़िया गेंदबाजी, हनीफ एक अच्छे गेंदबाज है। हनीफ अपना हौसला ना हिम्मत करो, गेंद को डालते रहो अच्छी ठिकाने पर। अगर एक विकेट मिलते तो आप पोजीशन में आ सकते हो, गेंद बल्लेबाज को पोजीशन में ला सकते हैं। नया बैट्समैन कौन है उसका नेम नहीं मालूम है। सज्जद भाई एक बात तो मैंने यहाँ पर इस ग्राउंड पर सीख लिया इन दो दिनों में, दो रातों में मैंने एक चीज नोटिस किया कि होम ग्राउंड हो और किसी और जगह पर आप खेलने जाओ, लेकिन असल में मैच में जब आप क्रिकेट खेलते हो तो उसमें खेलना बहुत अलग चीज होती है और प्रैक्टिस में खेलना बहुत अलग चीज होती है। असल में आप जब बीच मैदान पर उतरते हो वही तो आपके लिए सबसे बड़ा अहम रोल है। आप प्रैक्टिस में जो भी करते हो, बड़े बड़े चौके लगाओ, बड़ी बड़ी इनिंग्स खेलो, ये मायने नहीं रखता है। आप मैच में क्या करोगे ये ज्यादा मायने रखता है। और देखिए बीच मैदान पर क्या हुआ है, अच्छी फील्डिंग की गुंजाइश है, अच्छी गेंदबाजी चल रही है, गेंदे हो चुके हैं चार, टीम का स्कोर हो चुका है 8 और देखा जाए तो 18-19 रनों का पीछा करना है, अभी भी मैच बनी हुई है। क्या लगता है सज्जद भाई? चार गेंद, चार हिम्मत भाई चार गेंद आने ठिकाने पर, अच्छे ठिकाने पर किया है। अगर वो इस दो आखिरी एक गेंद में विकेट झटकाते अपनी टीम के लिए, नौ अगर इस गेंद पर विकेट झटका दे तो प्रेशर में आ सकती है यहाँ पर खोपोली की टीम। इसी बीच आउट, शायद हमारी नजर लग गई आबिद भाई, नजर लग गई यार। अब भाई 12 गेंदे और शायद 10 रन। इमाद भाई काफी इंटरेस्टिंग मैच होता है जिसकी उम्मीद शायद कोई दर्शक कर नहीं सकता। जिस तरीके की टीम खोपोली की है सभी दर्शक यही अंदाजा लगा सकते, अंदाजा लगाए बैठे थे कि शायद वन साइडेड गेम होने, मगर खोपोली की टीम इतनी दूर से टीम आई हुई जिन्होंने पहला राउंड काफी अच्छी टीम को हराया, मगर दूसरा राउंड में संघर्ष करते हुए अपने टीम के लिए 12 गेंदे 10 रन की जरूरत है और 12 अकिल सॉरी वकील कौन से ये आप आया वकील और अकील अगले बल्लेबाज अक्षय और मोतेश्वर कौन है ना, ये कौन खेला नहीं वकील है और वो अक्षय पवार और कौन से पवार अक्षय पवार 12 गेंदे 10 रन 9 रन 7 बॉल फालतू वाला अकील अकेल 9 स्ट्राइक पर अक्षय पवार राइट पर मैन देकर गेंद करने से जहां जीतने के लिए 12 गेंदे 10 रन। इसी बीच पहली गेंद ओ समझदारी वाली बल्लेबाजी यहां पर अक्षय पवार की, अगर यहां पर अकेला पर विकेट जवाब दे तो काफी टीम
खतरे में आ सकती है उनकी, उनको चाहिए कि अपनी टीम को संयम से अपनी टीम को आगे ले जाए, वरना काफी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि सज्जाद अपने टीम के लिए जाने माने गेंदबाज है। देखिए हमने कहा था, फिर से नजर लग गई आबिद भाई, फिर से नजर लग गई। ओह सज्जाद भाई, यहाँ पर नजर की बात नहीं है आबिद भाई, यहाँ पर आपके अनुभव की बात है, आपका होम ग्राउंड है, आप क्या कर सकते हो। सही मायनों पे टप्पा सही था, कहते हैं ना कि बाहुबली में कटप्पा और गेंदबाजी में टप्पा होना चाहिए, और जिस तरीके से ओपन क्रिकेट में गुडलेन स्पॉट की गेंद होती है ना, उसी तरीके से शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंद थी, इस तरीके से बैट्समैन ने बीट हुए और क्लीन बोल्ड, बैट्समैन का विकेट गिरा, चारों खाने चित कर दिया। यही तो क्रिकेट है। मैंने जब हाथ में बल्ला लिया तब मुझे अंदाजा आया कि बॉक्स क्रिकेट उतना आसान नहीं है जितना समझा जाता है, क्या कहते हो? सही कहा आपने महात्मा, सही कहा, क्योंकि जो बल्लेबाज क्रीज पर रहता है उसे ही पता रहता है उस वक्त वो कंडीशन, वो प्रेशर, और उस प्रेशर को ही झेलना और उससे बाहर निकलना वही बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन इस वक्त गुफरान और जैद, यहाँ पर अगर अभी काजी से मिले गुफरान जैद और उस और फहीम फहीम भी, नौशाद भाई भी, ओ नो, मैच और ये मैच इमाद भाई इंटरेस्टिंग था, अब शायद वन साइडेड की तरफ बढ़ चुका है शायद, फिर भी उम्मीद नहीं हारना है सज्जाद को, दो और विकेट आ गए इस ओवर में झटकते तो कमबैक हो सकता है। ओ माय गॉड, विन एक चार एक। इमाद भाई अगर इस गेम से पहले के बाउंड्री के अगर वो बाउंड्री अगर इंडी ग्रुप मसला के खिलाड़ी रोकते तो यकीनन इस मैच में रोमांच अंत तक बना रहता, मगर अफसोस के वो बाउंड्री चली गई और उसके बाद और खराब गेंद लास्ट बॉल, और हमने पहले ही कहा था अगर इंडी ग्रुप मसला को मैच में बने नहीं तो 30-32 लगाने पड़ेंगे, मगर 18 जैसा छोटा सा लक्ष्य एक्चुअली छोटा था लेकिन अच्छा था, लास्ट मोमेंट पर अगर थोड़ी सी गलती हुई जिसकी वजह से उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ा, उस दो बाउंड्री की वजह से मैच पूरा वन साइडेड हो गया और खोपोली की टीम ने अपनी टीम को जीत की तरफ लेकर इस टूर्नामेंट में तीसरे राउंड की तरफ अपने आपको इस टीम में बने रहने का मौका दिया है, और खोपोली टीम को चाहिए कि तीसरे राउंड के लिए काफी मेहनत करे। मेडल एक ही बचा है, मेडल नहीं होने मेरे ध्यान में।